हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जिता रहा है सट्टा बाजार? क्या कहता है विधानसभा चुनाव पर सट्टा बाजार? सट्टा बाजार में कौन सी पार्टी है सबसे फेवरेट? कांग्रेस और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें दे रहा है सट्टा बाजार? सट्टा बाजार के हिसाब से कौन सी पार्टी बना रही है हरियाणा में सरकार? सट्टा बाजार ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। जेजेपी और इनेलो को कितनी सीटें दे रहा है सट्टा बाजार? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। चुनाव में महज चंद महीने बचे हुए हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बार के रण में वो बाजी मार लें। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि सट्टा बाजार में कौन सी पार्टी फेवरेट है, किस पार्टी को सट्टा बाजार इस बार का चुनाव जिताते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो सट्टा बाजार में कौन सी पार्टी फेवरेट है और किस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे कि सट्टा बाजार हरियाणा को लेकर क्या कुछ कहता है। लेकिन इस सब के बीच बात करेंगे समीकरणों की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है और इन 5 सीटों की जीत के साथ ही कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी लगातार हाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि 10 साल से हरियाणा में जो सूखा पार्टी के साथ चल रहा है उसे किसी तरह से खत्म किया जा सके और इस बार कांग्रेस के लिए हालात भी अनुकूल बने हुए हैं। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो 10 में से 5 सीट 2019 के मुकाबले लोकसभा में बीजेपी ने हारी है और इस सब के बीच लोकसभा चुनाव में ये बात भी सामने आई थी कि उम्मीदवारों के साथ बीजेपी में भीतरघात हुई है, नाराजगी चल रही थी और गुटबाजी भी अंदर खाते देखी जा रही है। वो अलग बात है कि कुछ कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल जरूर हुए, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है, बीजेपी उस फायदे को कितना उठा पाती है, ये तो खैर चुनाव और चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम बात करते हैं सट्टा बाजार की, क्योंकि सट्टा बाजार की जो प्रेडिक्शन है वो अपने आप में काफी अहम हो जाती है। और आज के अगर सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन की बात करें तो सट्टा बाजार में आज सबसे फेवरेट कांग्रेस है। यानी कि अगर आज चुनाव होते हैं या आज की ही स्थिति इसी तरह से अगर चुनाव के दौरान अक्टूबर में भी रहती है तो कांग्रेस जो है वो सरकार बना लेगी। लेकिन सवाल यह है कि सट्टा बाजार कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आ रही है और सबसे बड़ी बात ये कि INLD और JJP क्या अपना अस्तित्व बचा पाने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि इन दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सवाल चुनाव जीतना भर नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाना है, जो कि लगातार वो हरियाणा में खोते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर है INLD। INLD ने हाल ही में BSP के साथ गठबंधन किया है। कोशिश यही है कि किसी तरह से जाट और दलित वोटरों को अपने खेमे में लेकर आया जा सके, ताकि इनेलो के सामने जो एक और सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर इस बार सही नंबर नहीं आए, अगर इस बार सही प्रतिशत मतदान का इनेलो को नहीं मिला तो इनेलो से उनका सिंबल चश्मा चुनाव आयोग छीन सकता है। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है, जो सिंबल है, वो इनेलो के हाथ से निकल सकता है। तो वहीं JJP भी कोशिश यही कर रही है कि 2019 में जो 10 सीटें आई थी, कुछ ना कुछ सीटों की रिकवरी वो इस बार कर पाए। कितनी सीटों की रिकवरी JJP यहां पर कर पाएगी, ये सब भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन अब बात करें सट्टा बाजार बीजेपी को कितनी सीटें दे रहा है, तो सट्टा बाजार के मुताबिक 28 से 31 सीटें बीजेपी फिलहाल जीतती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार के हिसाब से जो ये नंबर है वो बीजेपी को थोड़ी सी तसल्ली यहां पर दे सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं बीजेपी का अंदरूनी जो सर्वे है उस सर्वे में भी इतनी सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई नहीं दे रही है जो सट्टा बाजार बता रहा है 28 से 31। तो वही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर सट्टा बाजार के हवाले से ये है कि 55 सीटें कांग्रेस के हिस्से में सट्टा बाजार दिखा रहा है। लेकिन इसके अलावा निर्दलियों की बात कर ले, JJP की बात कर ले और INLD की बात कर ले तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराशा है। सट्टा बाजार के मुताबिक मात्र 4 से 6 सीटों पर निर्दलीय INLD और JJP सिमटती दिखाई दे रही है। तो ये थी फिलहाल की सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन और सट्टा बाजार के मुताबिक एक बार फिर से हम आपको बता दें 28 से 31 JJP, 55 कांग्रेस और 4 से 6 अदर, जिसमें कि JJP और इनेलो भी शामिल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।